अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची की सियाहत का एक और नई जगह जो है वो सामने आई है। वैसे तो ये जगह को बंद कर दिया गया था, मगर खुशकिस्मती से तमाम कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि चाइना पोर्ट को, यानी कि पाकिस्तान डीप वाटर कंटेनर पोर्ट, इस जगह का नाम है और बड़े आसान अल्फाज में इसको कहते हैं चाइना पोर्ट। तो चाइना पोर्ट में अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी कोस्टरों की लाइनें लग गई हैं। पहले किसी ज़माने में जो है, क्योंकि ये बंद कर दिया गया था, तो यहाँ पर सियाहत के वाले जो लोग थे या फिर कराची वाले जो लोग थे वो यहाँ पर नहीं आते थे, लेकिन अब आपको कोस्टर देखने को मिल रही है। यानी कि ये इस बात का सबूत है कि अब यहाँ पर फैमिलीज़ जो है वो आना शुरू हो गई हैं। आज आम दिन है और चाइना पोर्ट बड़ा यानी कि बड़ी खूबसूरत सी जगह है। आपको समंदर देखने को मिलता है, आपको बिल्कुल समंदर के बीच में बैठने की एक अच्छी और आसान सी मुहैया सी जो है वो जगह फराहम की गई है। तो बड़ी अच्छी जगह है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि चाइना पोर्ट के लिए जो पैदल चलने के बड़े शौकीन होते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा ये है कि यहाँ पर उन्होंने कोस्टर अपनी खड़ी की, ठीक है। अब पूरी फैमिलीज उतर के यहाँ से पैदल पैदल चल के ये सीधा रोड है। पहले तो आपने समझना होगा, बाद में वरना आप कमेंट करते रहेंगे कि आखिर ये जगह है कहाँ पर, हमें तो मिलती नहीं है ये जगह। वैसे सही कहते हैं, क्योंकि चाइना पोर्ट ऐसी जगह है कि ज़्यादातर लोगों को मिलती नहीं है। अब आपने पहले तो अपना एड्रेस समझना होगा कि आखिर चाइना पोर्ट जो है आखिर है कहाँ पर। ये साहिल समंदर, यानी कि आप जब बिलावल हाउस से आते हैं, बिलावल हाउस से जब आप चौरंगी मुड़ते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो मैकडोनल्ड की तरफ जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपने लेफ्ट साइड पे नहीं जाना, जब आप बिलावल हाउस से चौरंगी पर पहुंचते हैं तो चौरंगी से सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। अगर आप लेफ्ट साइड पर मुड़ेंगे तो आप मैकडोनल्ड पहुँच जाएंगे, लेकिन आपने सीधे हाथ पर मुड़ना है। और सीधे हाथ पर मुड़ने के बाद जब मज़ीद आप आगे की तरफ आएंगे तो मैं कैमरामैन को निशानी के तौर पर ज़रूर कहूँगा कि वो बिल्डिंग आप दिखाएं पहले, वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप। जैसे ही बिलावल हाउस पहुंचेंगे, चुरंगी से सीधे हाथ में मुड़ेंगे, इस बिल्डिंग को आपने जो है वो नोट कर लेना है। इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये जगह है। जब आप इस रोड से आएंगे तो आपको वैसे ही गाड़ियां नज़र आ जाएंगी, उसके बाद आपने गाड़ियां खड़ी करनी है यहाँ पे, यानी कि फोर व्हील वाले जो लोग हैं वो यहाँ गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। बाइक वाले होते हैं, बाइक वाले फिर भी निकल जाते हैं, रिक्शा वाले निकल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं चाइना पोर्ट पे, जो कि बड़ी ज़बरदस्त जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह है। तो आइए उसको एक्सप्लोर करते हैं। जी, इस जगह पर जब आप आएंगे तो थोड़ा आगे चलकर आएंगे तो सामने देख रहे हैं आप बैरियर वैरियर लगा दिए थे और फिर बाद में अब इसको हटा दिए हैं, सिक्योरिटी वाले हट गए हैं और अब शहरियों के लिए ये जगह खोल दी गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में अगर आप रहते हैं और ये जगह अगर आपने नहीं देखी तो मैं ये समझता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि बलूचिस्तान इतना दूर आप जाते हैं देखने के लिए। मैं कहता हूं कि आप इस जगह पर आने के बाद आप बलूचिस्तान भूल जाएंगे। एक गवादर टाइप का जो है एक ट्विस्ट इन्होंने दिया है, क्योंकि जब आप यहां से आते हैं और सीधा जाएंगे और एक ज़बरदस्त दोनूस, यानी कि समंदर के बीच में जो जगह बनाई गई है चाइना पोर्ट जिसे कहते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। यानी कि अगर मैं इसके मकसद की बात करूँ, इसको बनाने का जो मकसद था वो ट्रेड के तौर पर था, मतलब आपकी तिजारती मकासद के तौर पर जो है चाइना पोर्ट को जो है वो बनाया गया है। और ये अब चूँकि कराची वालों के लिए जो है यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक मरकज़ बन गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, मेरे इस तरफ भी जो है वो समंदर है, इस तरफ भी समंदर है, सामने मुझे जो है वो जजीरे टाइप के पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिला के जो है वो बड़ा खूबसूरत यहाँ का मंज़र है, बड़ी दिलचस्प यहाँ की जो है वो समझ लें कि बड़ी पुरसकून जो है यहाँ का माहौल है। अगर तो लोग डिप्रेशन में, मैं कहता हूँ कि भाड़ में जाए सारे काम, सीधा किक मारे बाइक को या फिर सीधा आप सलब मारें गाड़ी को और सीधे यहाँ पर आ जाएं और सुकून से बैठने के लिए बड़ी पुरसकून यहाँ पर जगह है, यहाँ पर आकर बैठ जाएं और आप देखें बड़ा ज़बरदस्त। और ये देखें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, वो सामने देखें आप माहीगिर जा रहा है, सामने माहीगिर देखें, इतना आपको लग रहा होगा कि बड़ी गहराई है यहाँ पर जो है, लेकिन देखें आप ये बिल्कुल समंदर के बीच में खड़ा हुआ है और आपके सामने कि पैदल पैदल चलते हुए जा रहा है, मतलब डीप आगे जाकर ये डीप होता है। शुरू में जो है वो थोड़ा सा इसकी ज़मीनी यानी कि इसकी रेत मौजूद है। तो आइए बगैर किसी टाइम जाए कि हम चलते हैं आगे चाइना पोर्ट पे, तो चलिए मेरे साथ।
देखिए जी, चाइना पोर्ट पर जैसे ही आप शुरू होते हैं, यानी कि जब आप आते हैं, तो आपको नई नई किस्म की आबी हयात और मछलियाँ देखने को मिलती है। अब ये देखें, नई एक मछली पकड़ी, बड़ी मुनफरद मछली है। इसको कौन सी फिश कहते हैं, इन भाई से हम बात करते हैं। ये जो आपने मछली पकड़ी है, कितने घंटे आपको लगे इस मछली को पकड़ने में, और ये बताइएगा कि कितने टाइम से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये जो नायाब नस्ल की मछली है, इसको क्या कहते हैं? सर, हमें तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर से हम लोग बोर हो के फिर जाके ये लगी है। ये हमारे काम की तो नहीं है किसी, लेकिन अब लगी है, इसको छोड़ देंगे वापसी, इसको छोड़ देंगे वापसी। इसका नसीब अच्छा है, अगर ये मच्छी नुमा होती तो उसको हम लोग कर लेते, कम से कम भी हमें 2-2.5 घंटे हो गए। अच्छा, ये हाँ, आप अभी छोड़ेंगे? जी छोड़ देंगे। तो हम भाई को कहेंगे कि जी कैमरे में ही वापसी जो है वो छोड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया को देख के जो कहते हैं जी हम छोड़ देंगे। हाँ। अब ये एक देखें कितनी ज़बरदस्त मछली हो, लो इसने मैसेज बड़ा अच्छा दिया है। अब इसने कहा है कि जी अभी हमें पता नहीं है कौन सी मछली है, लेकिन हमारा दिल कर रहा है कि इसको हम पकड़े ना, अभी हम इसको छोड़ेंगे। तो भाई अब इसको जो है वो कांटा निकाल के जो है इसको अब वापसी समंदर में डालेंगे, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। तो भाई कैमरामैन को कहूँगा कि जो भी प्रोसेस है वो दिखाए आपको, ताकि ये जैसे ही आज़ाद हो तो फिर जो है हम आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो पूरा आपको प्रोसीजर दिखाएंगे कि ये मछली का अभी फ़िलहाल जो है वो कांटा निकाला जा रहा है। जैसे ही इसका कांटा निकाल लिया जाएगा, तो उसके बाद फिर इसको समंदर में छोड़ देंगे। भाई जो है वो 2 घंटे तक मेहनत करते रहे मछली पकड़ने के लिए, लेकिन इनके पास बड़ी नायाब किस्म की मछली आई है। हालांकि चाहते तो ये बड़ी ज़बरदस्त कीमत में इसको बेच सकते थे, लेकिन इन्होंने मुनासिब समझा कि ये जो है समंदर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब की नहीं है ना ये। तो इस वक्त जो है वो कांटे से इसको निकालने का अमल जो है वो जारी है। और चाइना पोर्ट पे देखें, मैं आपको पहले ही कहता हूँ, चाइना पोर्ट बड़ा खूबसूरत है, और इस खूबसूरती को बहाल करने के लिए जो है वो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर माहीगर भी आते हैं, फ़िशिंग करते हैं, नायाब किस्म की मछलियाँ भी मिलती हैं, और अच्छी अच्छी मछलियाँ ऐसी मिलती हैं जो कि बड़ी मुनफरिद होती हैं। भाई नीचे वाला स्लिप पे नीचे जाएगा। और अभी जो है वो भाई कांटा खोलेंगे, और उसके बाद फिर इसको आज़ाद करेंगे, फिर उसके बाद आपका भाई जो है वो चलते फिरते आपको मज़ीद आगे लेके जाएगा चाइना पोर्ट पे। तो ये फ़िश आपके सामने जी, इसको छोड़ दिया है क्योंकि ये किसी काम की नहीं थी। अगर ये भाई चाहते तो अच्छी कीमत में बेच सकते थे, लेकिन इन्होंने मुनासिब समझा कि इसको दोबारा समंदर में छोड़ दें, और जो मतलब की फ़िश है उसको पकड़ने के लिए ये भाई यहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो आइए हम मज़ीद आगे चलते हैं। तो जनाब, ये है कराची का चाइना पोर्ट, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो ये कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत लगती है समंदर के बिल्कुल साथ में, ग्लास की बनी हुई जो इमारतें हैं, ये बड़ा अच्छा जो है यहाँ का खूबसूरती में इजाफा देता है। दूसरी एक खास चीज़ ये कि सामने देख रहे हैं आप, ये सामने प्रिंसेस ऑफ होप की पहाड़ी आपको देखने को मिल रही है। वो सामने अगर आपको दिखाए कैमरामैन, सामने प्रिंसेस ऑफ होप की पहाड़ी है, इसके बराबर में एक जजीरे टाइप की पहाड़ी, फिर इसके बराबर में एक बहुत बड़ा जजीरा है, मतलब। और इसके नीचे आप देखें, नीचे टनल बनी हुई है, इसके नीचे सुराख है, आप इस पहाड़ी के नीचे देखेंगे सुराख है। और अक्सर और बेशतर औकात छोटी छोटी जो कश्तियाँ होती हैं जिसमें एक बंदा सवार होता है, वो क्या करते हैं इसी पहाड़ियों के नीचे से गुजर के जो है वो निकल जाते हैं, और वो बड़ा एक खूबसूरत मंजर होता है। तो इस वक्त कुल मिला के यहाँ पर जो है वो चाइना पोर्ट पर मतलब पुरसकून माहौल है। शाम का वक्त हो रहा है, कोई नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, मतलब कम लोग हैं। मैं ये प्रेफर करता हूँ लोगों को, जो फैमिली वाले लोग हैं वो आम दिनों में आएँ, हफ्ता और इतवार जो है वो ना आए, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत जगह है। इसकी खूबसूरती अगर आपने देखनी है तो आम मतलब वीकडेज से हटकर अगर आप आएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ के जो नज़ारे हैं वो इंतहाई दिलचस्प नज़ारे हैं, दोनों तरफ समंदर है और बीच में आप खड़े हुए हैं, और जब आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आपकी फीलिंग्स, आपके एहसास बड़े मुख्तलिफ होंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त में चाइना पोर्ट के बिल्कुल, यानी कि आप ये समझ लें ये जो इतने बड़े बड़े पत्थर रखे गए, इसके ऊपर चलकर जाना जो है वो बड़ी फनकारी है। मतलब आपने ये फनकारी नहीं करनी, मैंने भी कोई फनकारी ये की नहीं है, सिर्फ 4-5 पत्थरों को मैंने क्रॉस किया है। वैसे तो ये बिल्कुल कोने तक जा रहा है, बिल्कुल आगे तक। लोग ज़्यादातर जो है वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से गुजरते हुए जाते हैं और आखिर तक जाते हैं, मगर
मैं अपनी वीडियो जब भी बनाता हूँ तो उसमें मैसेज ज़रूर देता हूँ, लोगों को चाहिए कि वो सिर्फ अगर तो चाइना पोर्ट खोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पागल हो जाएं, आप मतलब कि यानी कि चलते हुए इन पत्थरों पर चलते हुए कोने तक जाएं, ये कोई अवार्ड शो नहीं है, ये कोई आपको प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, आप उसको पार करके आ जाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस जगह पर ये जो पत्थर रखे गए हैं ये ट्रेड के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तजारती मकसद के तौर पे जो है इस जगह को बनाया गया चाइना पोर्ट के नाम से, और इस जगह पर जो है वो पहले भी बंद कर दिया था क्योंकि उसकी तीन बड़ी वजह थी। अब देखें तीन बड़ी वजह क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। कराची शहर में आपके तजावजात कायम हैं, लोग काबिज़ हो जाते हैं, कब्ज़े कर लेते हैं और जिसकी मर्ज़ी चाहे वो आपके यहाँ पर आकर बैठ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल बताई गई थी कि यहाँ पर जो है वो कुछ लोग ऐसे थे जो कि ऊँट वाले हों या घोड़े वाले हों या फिर कोई भी ऐसे शख्स होते हैं, वो अपने बसेरे जमा लेते हैं, डेरे जमा लेते हैं, झोपड़ियाँ बना लेते हैं और फिर उस जगह पर काबिज़ हो जाते हैं। एक वजह ये भी थी इसको बंद करने की। दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो कोशिश करते हैं कि आगे तक जाएँ, मतलब कि वो यानी कि वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। कितने लोग यानी कि 3 से 4 लोग ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो कि चाइना पोर्ट पर आने के बाद जो है या तो उनके सर फट गए या फिर उनके टांगें टूट गई हैं या फिर वो समंदर में गिर गए हैं। ये ऐसे 3-4 वाकियात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये भी एक वजह थी इसको बंद करने की। तीसरी एक वजह ये थी कि आपके जो लेफ़्ट साइड पर जो मैं आप देख रहे हैं ये पूरा एक पोर्ट है, इस पर लोग आकर तस्वीर खिंचवाते थे, वीडियो बनाते थे, तो ये एक सिक्योरिटी इशू था, सिक्योरिटी रिस्क था, तो इसलिए जो है इस जगह को जो है बंद किया गया। तो ये 3-4 मोटी मोटी वजह थी जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा। 2018 में इसको बंद किया गया और जब इसको खोला गया था तो इसकी बड़ी पजीराई हुई थी, लोगों ने इसको बड़ा प्रमोट किया था, सयाहत का एक बड़ा अच्छा मरकज़ है। मैं भी आपको ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं मतलब फनकारी करके जो है वो आगे तक जाएं और खुदा ना खास्ता अगर आप गिर गए या टांग टूट गई या बहुत वाकयात ऐसे होते हैं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि स्लिपी होते हैं, हम समझते हैं कि यानी कि हम इसके ऊपर जंप लगा लेंगे लेकिन जब आप जंप लगाते हैं वो स्लिप कर जाता है पत्थर और सीधा आपके दिमाग पर चोट लगती है। तो इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। तो आपने ये करना है कि जी सिर्फ आप वहाँ तक रहें, इससे आगे तक ना जाएं, ताकि चाइना पोर्ट जो है इसमें मज़ीद इस तरह के जो नाखुशगवार वाकयात होते हैं वो रिपोर्ट ना हो सके। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। तो चलते फिरते के कदम यहाँ आने के बाद जो है वो रुक गए और चल फिर नहीं सकता क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो खूबसूरती, जो पुरसकून माहौल यहाँ पर है वो शायद कहीं पर भी ना हो। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ और थोड़ा यहाँ पर यहाँ के नज़ारे करूँगा, थोड़ा इन्जॉय करूँगा और थोड़ा सा रिलैक्स होऊँगा, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करूँगा। काम 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 ये तो इंसान को वैसे ही डिप्रेशन में और बीमारियों में डाल देता है। मतलब आपके ज़हनी तौर पे अगर आप मुतमईन और बड़े सुकून में अगर होना चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह बड़ी अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा समंदर है। अभी 2 दिन हुए 3 दिन हुए चाइना पोर्ट को खोला है, और पहले की अगर मैं जगह की यहाँ की बात करूँ तो जब इसको खोला गया था तो माशाल्लाह से मैं माशाल्लाह तो खैर नहीं कहूँगा, हमारी जो कौम है वो यहाँ आकर कचरे के ढेर फेंक कर चले जाती है। मतलब जो कुछ आता है यहाँ पे फेंक देते हैं और चले जाते हैं और बाद में इस जगह की खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाती है। अब आपके ऊपर है, अब आपने इस समंदर को साफ़ सुथरा रखना है या फिर कचरे का ढेर बनाना। वैसे कराची को तो आपने कचरे का ढेर बना के छोड़ा है। ये समंदर हमारा जो है वो बड़ा कीमती है और इसका पानी भी बड़ा कीमती है और इसके पत्थर भी बड़े कीमती है, और अगर पत्थर के नीचे अगर आप कचरा फेंकेंगे तो ये कचरा कुंडी बन जाएगा। आप खुद सोचें कि अगर मैं इस जगह के अंदर कचरा फेंकता हूँ तो स्वीपर को या फिर इंतज़ामिया को कचरा उठाने में जो है वो बड़ा मसला होगा। सोचने वाली बात है। कैमरामैन ज़रा दिखाएं, अगर मैंने इधर अंदर डाल दी तो अभी भी ये देखें आप, अंदर की जगहों पर अभी भी कचरे जो है वो सारे मौजूद हैं। तो खुद सोचना होगा, कुछ नहीं तो अपने साथ अगर आपने कुछ खाना पीना है अपने साथ खाएं पिएं, लेकिन जो सामान हो वो गाड़ी में डालें और बाहर निकलें और वहाँ जाके डस्टबिन में डाल दें। तो ये एक सिंपल आपको एक मशवरा है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।